फिशेस, कलरफुल प्यारी प्यारी गोल्डन फिश, ये हमारी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, राहत सेहत के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो मैं यहाँ बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी ये दम पर है, अभी सिला चावल डाले हैं मैंने इसके अंदर, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अचार। तो अचार बना रही हूँ, और अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केलियाँ ले ली हैं, 3 मदद केलियाँ थी और 3-4 हरी मिर्च थी। बहुत आसानी से बन जाता है ये वाला अचार, इसमें जो है वो आपको रखना नहीं पड़ता धूप में, और 2-3 दिन बस उसको फिर घुमाना नहीं पड़ता, बस सीधा आपने तेल लिया और तेल को आपने गर्म किया, और उसमें आपने जो है वो कैरी और मिर्चें और जो आपको डालना हो और वेजिटेबल्स तो आप डाल सकते हैं, उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ मैंने मसाले ले लिए थे, साबित धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये सब तमाम चीज़ें ली थी मैंने यहाँ पर। हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है, बस ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। कलौंजी इसमें ऐड कर दूंगी, और ये मसाला हो गया मेरा, और इसमें आप चाहें तो और दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं जो अचार में डलते हैं, राई और मेथी वगैरह, उसको भी आप पीस के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हल्की सी ये फ्राई हो गई है, तो अब मैं यहाँ वो सारा मसाला जो मैंने पीसा था ना, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, मिला लूँगी, ठीक है ना, और फ्लेम को कर दूँगी मैं ऑफ, और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दूँगी। और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रखना है, वैसे तो ये अचार इतना मज़ेदार होता है कि लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो एक ही वीक में, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर लॉन्ग लास्टिंग करना है तो इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें अभी राई ऐड करूँगी और चाट मसाला ऐड करूँगी। यहाँ ना मुझे मिर्चें अच्छी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ भी तली हुई मिर्चें हों, तो मैंने अचार में से निकाल के उसको फिर से फ्राई करने के लिए रख दिया, और ये अचार का तड़का तैयार हो रहा है। तो मिर्चें भी साथ साथ हो जाएंगी, और साथ में मैं इसमें डालूंगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ साथ इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले, अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ इसका तड़का, ऐड हो गया, फ्राई मिर्चें ज़बरदस्त लग रही हैं इसके अंदर। तो 1 या 2 दिन का ही ये समझ लें अचार है, इतना ज़्यादा तो हमें रखना नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 कैरियों का हमने अचार बनाया है। तो इसी तरह से आप ज़्यादा कैरियों का अचार आप डाल सकते हैं, और बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार बनता है। इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार किस्म का ज़ायकेदार अचार जो है वो तैयार हो गया है। इसको आप दाल चावल के साथ खाएं तो बहुत ही लजीज और मज़ा ही आ जाएगा, और पराठे के साथ खाएं तो फिर भी बहुत मज़ा आएगा, आलू का पराठा हो और ये अचार हो। तो ज़बरदस्त अचार है, अचार तैयार हो गया मेरा यहाँ पर, और यहाँ गर्मा गर्म बिरयानी, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। राहत सईद को इजाज़त दीजिए मज़ेदार बिरयानी और केरी के अचार के साथ। अल्लाह हाफिज़।